नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पूर्व न्यायाधीश पूनम श्रीवास्तव के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए के साइबर ठगी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने बैंक खातों में जमा पैसों को लेकर कहा कि इसकी जिम्मेदारी बैंक की भी होनी चाहिए। यदि ग्राहक साइबर ठगी का शिकार बनता है तो इसे लेकर बैंक जिम्मेदारी ले। कोर्ट ने कहा कि बैंक में पैसा जमा करने वाले देश के प्रति ज्यादा ईमानदार है, उनका पैसा हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में साइबर ठगी को लेकर एक मामला चल रहा था। पूर्व न्यायमूर्ति पूनम श्रीवास्तव के बैंक खाते से 5 लाख की साइबर ठगी हुई थी। इसी मामले में तथ्यों के आधार पर लंबी सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने झारखंड के साइबर ठगी करने वाले सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। जिन लोगों की जमानत अर्जी खारिज की गई उनमें नीरज मंडल उर्फ राकेश, तपन मंडल, शुभोषा उर्फ शुभाजीत व तौसीफ के नाम शामिल हैं। इनकी ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साइबर ठगी का यह मामला पूर्व न्यायमूर्ति पूनम श्रीवास्तव से जुड़ा है। पूनम श्रीवास्तव को 4 दिसंबर 2020 को रांची से मोबाइल नंबर पर एक फोन आया था। कॉल करते हुए साइबर ठग ने ग्राहक से खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए पासबुक, आधार और पैन नंबर की मांग की। इसके बाद ही उनके खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। खाते से पैसा कटने के बाद वह हैरान रह गए। उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को कैंट थाना प्रयागराज में इसको लेकर FIR दर्ज करा दी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।